हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम धोलावीरा। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम धोलावीरा में रात को आए थे। मैंने आपको रूम का टूर ऑलरेडी दे चुका हूं, तो दिस इज़ लेकिन रात को मैं रिजॉर्ट आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। तो दिस इज़ हाउ द रिजॉर्ट लुक्स। ये जो आप देख रहे हैं ये नॉन एसी रूम्स हैं, ये सारे नॉन एसी रूम्स हैं। और आप दीवार के जो उस तरफ देख रहे हो दोज आर एसी रूम्स, और उसके दूसरी तरफ है टेंट्स, रजवाड़ी टेंट्स ये कहते हैं उसके। मैंने ऑलरेडी ओनर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो मुझे दूसरे रूम के टूर भी दे देंगे, तो मैं आपको दिखा दूंगा सो दैट यू कैन प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। सो गाइस, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द धोलावीरा टूरिज्म रिजॉर्ट। रात को अंधेरा होने की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शांत है। नॉन एसी रूम हैज़ कॉस्टेड अस 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ पर नाइट है। और लंच एंड डिनर इज 150 ईच, द ब्रेकफास्ट इज 100 रुपीज़। तो लंच में हमने कल काफ़ी सारा मेन्यू था, देयर वाज दाल खिचड़ी, देन देयर वाज कढ़ी, उसके साथ सलाद था, आलू पालक था, मटर पनीर था, देयर वाज रोटी। सो विच इज़ अ गुड मेन्यू एंड 150 रुपीज़ पर हेड, इट्स क्वाइट चीप फॉर जो जिस तरीके से खाना दिया गया था, तो 150 रुपीज़ काफ़ी कम है। एंड द फूड वॉज ऑल्सो गुड। तो चलो फिर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में एंड विल मीट यू एट द ब्रेकफास्ट टेबल। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया और इनका रेस्टोरेंट भी यहीं पे। और जो ये आप सामने देख रहे हैं दोज आर द टेंट्स। काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड यू सी आर दोज एसी रूम्स। So I'll give you a tour of those rooms. This is how the restaurant looks. Very beautifully made. ये भी एक, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट। मतलब जब भी ज़्यादा क्राउड रहता है तो यहाँ पे सर्व करते हैं। और यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होता रहेगा, एंटरटेनमेंट ऑफ द गेस्ट। कच्छ रण उत्सव जो है वो स्टार्ट होता है नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। So this is quite a huge place with lots of rooms. These are the jeeps. They must be using them, जो गेस्ट लोगों को घुमाने के लिए। So guys, breakfast अभी आ चुका है। In breakfast we have आलू पराठा, पोहा, दही, there is also इडली and चटनी। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर बताते हैं ब्रेकफास्ट कैसा था। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट, स्पेशली द इडलीस। मैंने सोचा नहीं था कि गुजरात में आके इतनी अच्छी सॉफ्ट इडली मिलेगी, बिकॉज विच इज़ बेसिकली अ साउथ इंडियन डिश। इवन द चटनी वॉज गुड, पराठा वॉज गुड एंड इवन द पोहा। तो काफ़ी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट हुआ है अभी तो, क्योंकि अभी हम सीधा लंच करेंगे और बीच में यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए वैसे स्पॉट्स है नहीं। तो यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले चिप्पर पॉइंट जो है 38 किलोमीटर्स। चिप्पर पॉइंट होने के बाद हमने धोलावीरा हरप्पन सिटी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, विच इज़ क्वाइट नियर टू द रिजॉर्ट, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे फॉसिल पार्क। सो दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं रिजॉर्ट में चिप्पर पॉइंट देख के, और अभी हम जा रहे हैं लंच के लिए इधर रेस्टोरेंट।
मैं बताता हूँ आज लंच में क्या है। ये सब प्री प्लान मेन्यू, मतलब अला काटे नहीं है, आप ऑर्डर नहीं कर सकते। 150 रुपीज़ में यू गेट द एंटायर मील, विच इज़ अ गुड डील। तो मैं आपको बताता हूँ कि आज मेन्यू में क्या है। तो गाइस वी आर कम फॉर द लंच नाउ, एंड लंच में आज है ये शीरा है, ये गोभी की सब्ज़ी है, दिस इज़ पापड़, दिस इज़ छोले की सब्ज़ी, दिस इज़ सम्बारो, बेसिकली चटनी का जैसा है, सलाद, रोटी, दाल एंड राइस। तो गाइस मैं अभी खाना खाता हूँ। सो गाइस अभी खाना हो चुका है, द फूड वॉज रियली गुड। सिंपल खाना था लेकिन अच्छा था, काफ़ी वैरायटी थी और टिपिकल गुजराती क्यूजीन था जो अच्छा लगता। मतलब जिस जिस देश में आप जाते हो वहाँ का खाना खाओगे तो अच्छा लगता है, तो इट्स द सेम वे। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, धूप तो काफ़ी तेज़ है लेकिन क्या करें, वी हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और हम लोग जाने वाले हैं टू दी हरप्पन सिटी।